Hello students, I am your new science teacher. I hope you all are safe and fine at your home. Now let's start our chapter number 1, Matter in Our Surroundings. Matter in Our Surrounding. Matter is anything that occupies the space and has some mass. Now let's see some example. Pen, pencil, gas cylinder, water, milk, brick, this all are the example of matter. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी ऐसी चीज़ कि जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सारी चीज़ होती है हमारी matter. Right? Now, let's check from where this matter word came. So, our earlier philosopher, Indian philosopher, they classified matter in 5 elements: air, fire, earth, water and sky. ये पांचों element की help से हमारा matter बनता है. All the living things as well as non-living things are made up of these 5 elements. But modern scientists classified matter based on their chemical and physical properties. अब जानते हैं matter के बारे में. तो children, वो हर एक चीज, वो हर एक object जो अपनी space occupy करती है और जिसका अपना खुद का एक mass है, volume है, वो हर एक चीज होती है matter. और मैटर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. दर एक मैटर, हर एक चीज़, हर एक ऑब्जेक्ट छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ होता है और वो सारे पार्टिकल्स बन के एक एटम बनाता है. दिस ऑल पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू बी ऑब्जर्व विद द नेकेड आई. ये सारे पार्टिकल्स पॉसिबल है कि हम ऐसे ही देखें तो हमको नहीं दिख पाते, बट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट वी कैन सी देम. नाउ वी कैन सी द एग्जांपल एंड डेफिनेशन ऑफ मैटर. मैटर इज द सब्सटेंस व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मैटर इज अ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. उसके कुछ एग्जांपल्स हैं नोटबुक, पेन, स्टार, सन, प्लैनेट, एयर एक्सेट्रा. इसके अलावा भी बहुत सारे मैटर्स के एग्जांपल हैं जो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स. अभी उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि यस दिस थिंग इज अ मैटर. सो द फर्स्ट वन इज they are continuously moving, they having space between them, and the third one is they attract each other. अभी यही characteristics को हम थोड़ा detail में समझते हैं. तो सबसे first वाली है particles of matter are continuously moving. तो बच्चों जो भी हमारे पास matter है, जो भी मैटर्स के मॉलिक्यूल्स हैं, वो कॉन्स्टेंटली अपने आसपास घूमते ही रहते हैं. बट दिस पार्टिकल पजेस अ काइनेटिक एनर्जी. नाउ व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? सो काइनेटिक एनर्जी इज लाइक ऑल द पार्टिकल हु आर मूविंग, दे आर पजेस द काइनेटिक एनर्जी. वो जो भी अपने आसपास घूमते रहते हैं, एक अपने एरिया में, एक सरफेस में, एनवायरनमेंट में, जो भी वो लोग मूवमेंट करते हैं, और वी कैन से द कंटिन्यूअस मूवमेंट दैट इज जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर दिस कैरेक्टरिस्टिक्स. से फॉर एग्जांपल हम एक ग्लास लेते हैं जिसमें वाटर है, राइट? अभी हम इसमें कुछ ड्रॉप ऑफ इंक डाल देते हैं और वी कैन से और कुछ भी हम कलरफुल चीज़ डाल देते हैं, तो क्या होगा कि विदाउट स्टरिंग वो ड्रॉप्स अपने आप ही स्प्रेड होना स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे वो पूरे पानी का कलर जो है, वो जो भी इंक का कलर था या आपने जो भी ड्रॉप डाले हुए हैं,
वो पूरा पानी का कलर वो कलर जैसा हो जाता है, राइट? तो ये किसकी वजह से ऐसा हुआ? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? द रीज़न इज़ बिकॉज द मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज़ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। तो बच्चों, जैसे हम घर पे नींबू शरबत बनाते हैं, है ना, तो हम क्या करते हैं? वी टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, देन वी एड सम स्पून ऑफ शुगर, राइट? तो आप ऑब्जर्व करना उस टाइम पे क्या होता है, जब भी मैंने एक ग्लास में पानी लिया और उसके बाद मैंने उसमें शुगर डाली, तो वो पानी का लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हमारी शुगर है वो पूरी डिसॉल्व हो जाएगी पानी में, तो ऑटोमेटिकली मेरा पानी का लेवल है वो जो शुगर का जितना वॉल्यूम था उतना बढ़ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका एक ही मतलब हुआ कि पानी के पास इतनी स्पेस थी कि जो स्पेस में ये शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं वो समा गए, ओके? बट दिस स्पेस विल बी डिफर बेस्ड ऑन द स्पेस स्टेट ऑफ द मैटर। जैसे कि सॉलिड में ये स्पेस है वो बहुत ही कम होगी, लिक्विड में उससे थोड़ी ज़्यादा होगी, और गैसेस में ये स्पेस सबसे ज़्यादा होगी। समझ गए? नाउ लेट्स टेक अ नेक्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, दैट इज पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। जब भी हम पानी का नल खोलते हैं, तो जब भी पानी का फ्लो बाहर आता है और हम उसके बीच में उंगली रख देते हैं, तो वहाँ से वो फ्लो पूरा ब्रेक हो जाता है। क्या होता है कि वहाँ पर से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और उसके बाद अगर हम उंगली हटा देते हैं तो अगेन वो फिर से एक फ्लो में कंटिन्यूसली बहना स्टार्ट हो जाता है, राइट? तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो सारे मॉलिक्यूल्स, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दैट इज़ वाई दे आर कंटिन्यूसली गो ऑन दी फ्लो। आपने ऐसा देखा है कि एक छींटा यहाँ पे जा रहा है, एक उससे दूर जा रहा है, तीसरा तो उससे भी दूर जा रहा है। होता है ऐसा? नहीं, राइट? और हम दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि और कोई भी सॉलिड चीज़ है। से फॉर एग्जाम्पल वुडन टेबल है, लकड़ी का टेबल, जिसे हम हैमर की मदद से तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो जल्दी नहीं टूटता है। हम बहुत ट्राई करते हैं, उसके बाद जाकर वो टूटता है। क्यों? क्योंकि वो सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आई होप बच्चों आपको ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ मैटर अच्छे से आ गया होगा। बुक में से आप ये फर्स्ट चैप्टर में टिल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर वहाँ तक पढ़ लीजिए, और कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ नोट इट डाउन, और जब भी हमारा डाउट सेशन होता है तभी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।